परमात्मा हे निर्गुण निरहंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार, कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तू मिथ्या है संसार, घट घटवासी है प्रभु, अविनाशी करता, दया से तेरी हो सभी भव सागर से पार। निराकार साकार तू जग के पालनहार, है दाता परम्पार, परम पिता प्रभु, सबका हो कल्याण, प्रभु सबका सत्संग जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। वर्चुअल रूप में आज फिर सत्संग का आनंद लेते हुए सभी संत भक्त निरंकार प्रभु परमात्मा की जहाँ महिमा गा रहे हैं, कैसे ये हर संत को जहाँ एक दूसरे से पूरे संसार से ये आदर सम्मान प्यार करुणा विशालता ऐसे अन्य गुण और उसके साथ जहाँ पेश आना है, क्योंकि एक संत ही सिर्फ ये अपना दिल इतना मासूम इतना कोमल रख सकते हैं कि पूरे संसार का सुख दुख वैसे ही एक चाहे उसको हम एम्पथी का वर्ड दे सकते हैं, पूरी बात समझते हुए अपना ही मानकर आगे बढ़ते हैं, तो कैसे हम उस सुंदर एक संसार के जहाँ रचना करने के लिए वो कंट्रीब्यूशन दें, तो अपना जहाँ सुधार करना है और ये सुधार सिर्फ और सिर्फ इस निरंकार प्रभु परमात्मा को याद रख के ही हो सकता है, क्योंकि चाहे हमने ब्रह्म ज्ञान ले लिया और अगर जो समय है जो एक करंट सिचुएशन है उसमें हमने उसका प्रयोग नहीं किया, तो फिर हम उस समय अगर एक संतमति अपना नहीं रहे, ये ब्रह्म ज्ञान याद नहीं, तो जैसे पीछे कहावत भी लिखी हुई है कि ज्ञान कर्म, ये जो बात आ रही है कि ये ज्ञान और कर्म की बात, तो ज्ञान पे हमेशा चलना। अब अगर हम ध्यान से सोचें तो ज्ञान ये तो निरंकार की पहचान है, तो अब निरंकार की पहचान को कर्मों में कैसे लाएं? तो वही है हमारी इंटेंशन। हम अगर स्वयं को निरंकार के साथ जोड़ के रखेंगे तो जो भी कर्म होंगे वो हम इंटेंशनली गलत नहीं करेंगे, तो स्वयं ही बात वो हो गई कि इस निरंकार को जब हर चीज में शामिल किया तो एक एक पल हमारा ये सुंदर बनता गया। एक एक पल हम सिर्फ लोगों की आंसू पोंछ रहे हैं, खुशियां दे रहे हैं, हर एक के लिए अपने दिल में एक उद्गार लिए, एक हर एक के लिए मन में अच्छाई, और ये जैसे
से सिचुएशंस कभी आती हैं, जैसे आजकल ये कोरोना के लिए अपने आप ही दिल से अरदास हर एक के लिए निकल रही है, तो ऐसी हमें सिचुएशंस आने पर ही क्यों रियलाइजेशन हो कि सभी का ही एक परोपकार करना है और भला मांगना है संसार का। ये तो अगर हम संत हैं, ये ब्रह्म ज्ञान की दाद झोली में है, तो फिर तो हर हमारी कामना हर पल ऐसी ही होनी चाहिए। कैसे एक जो हमारी जीवन काल की यात्रा है, इसने जब चलना है तो फिर हम सही और ही अपने कदम रखें, सही दिशा में रखें, और कहीं हमारे अगर कर्म बिगड़ गए, कोई सोच में खामी आ गई, कभी निरंकार को भूल के कुछ ऐसी बात हो गई जो एक इंसान कहने के लायक नहीं हमें कहलाई, तो कैसे हमने उस बात पे भी सुधार करना है। तो कैसे ये जो शरीर है, इसने हर एक का ही एक दिन खत्म हो जाना है, तो जीते जी ही अपना जीवन हम सवार लें और अधिक से अधिक अपने आप को एक सेल्फ करेक्शन मोड में ही रखें। जैसे कबीर जी का भी वो दोहा कि माटी कहे कुम्हार से, तू क्या मुझे रोंदे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है। तो कैसे एक बात कि एक कुम्हार, एक प्रोफेशनली घड़ा बनाने वाला या कोई भी वो मिट्टी के बर्तन बना रहा है, तो उसने कैसे एक आकार दे दिया, तो वो मिट्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात बोल रहे हैं कि अभी तो यू थिंक यू आर इन चार्ज, तो कैसे भी मुझे रूप आकार दे पा रहे हो, पर आखिर में ये शरीर तुम्हारा भी तो मिट्टी ही है। जब ये यात्रा एक जीवन काल की ओवर हो जाएगी, तो कैसे फिर एक मिट्टी का ही रूप बन जाना है, और फिर एक वो जो डीकम्पोजिशन ऑफ द बॉडी की बात हो, तो कैसे वो एक मिट्टी ही बन जाएगी। तो फिर एक ये ना कभी भी हम सोचें कि कुछ भी हमारे हम करने वाले हैं, कर्ता धर्ता हम हैं, हम किसी चीज के लिए करने का एक ये नॉलेज रखते हैं, एक कला रखते हैं, नहीं, ये सब परमात्मा की ही देन है। और जब तक हम इस बात का एहसास करेंगे, तो ही हम एक अपने कर्मों में वो अहंकार तज के एक ऐसे हम्बल एक भावना के साथ ही कर पाएंगे। नहीं तो जिस पल हमने ये मान लिया कि हमसे अच्छा कोई और इस कार्य को नहीं कर सकता, तो फिर अपनी ईगो पे कैसे हमें अगर अभिमान रहे, तो फिर वो टूटने में भी एक पल नहीं लगता। फिर इस निरंकार ने कोई ऐसा स्वभाव रचना है कि वहीं हमें अपना आईना स्वयं साफ दिख जाएगा और पता लग जाएगा हम कितने पानी में खड़े हैं। तो ऐसे सिचुएशंस अगर आए भी, तो कैसे अगर उन कुछ क्षणों के लिए निरंकार भूला भी, तो कैसे वही स्विमरन वही उसी समय कर लेना, अपनी भूलों को बख्शवा देना कि अगर हम इसको भूले तो फिर इसका स्मरण करके वापस इसके साथ एकमिक हो जाएं। तो दाता सभी पे कृपा करे कि कैसे जीवन में हर पल हर क्षण, सिर्फ एक ये हाइपोथेटिकल बात नहीं है कि हर समय इस निरंकार के याद में रहा जा सकता है, पर ये बहुत ही एक प्रैक्टिकल बात है कि सच में जो जो भक्तों का आज हम गुणगान गाते हैं, उनकी जीवन पे एक रिफ्लेक्ट करें, तो देखें कैसे उनको अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में हर चीज का कंक्लूजन उनका परमात्मा ही होता है, कि कैसे ये ब्रह्म ज्ञान इज द मेन थिंग, द एसेंस ऑफ लाइफ, कैसे हमने हर पल सिर्फ और सिर्फ इस परमात्मा को आधार बनाना है। और जब ऐसा होगा तो स्वयं हम खुद भी देखेंगे कि वही अगर सिचुएशंस जिसमें कुछ टाइम पहले अगर आई हो, तो एक मन बहुत भुजा भुजा, और वहीं पे अगर फिर इस बार परमात्मा को शामिल किया जाए, तो फिर उसमें भी कैसे एक अच्छा कुछ निकल के आता है, एक मन एक ऐसे मोल्ड हो जाता है। फिर वही अगर काला बादल, पर इस बार वो एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग वाली बात की, इस बार वो सिल्वर लाइनिंग भी दिख रही है,
तो दातार हर एक पे कृपा करे कि बस एक मन को पॉजिटिव रखें, अपने भी आसपास वालों के भी, अपने वचनों को कंट्रोल में रखें कि एक अच्छी बात ही बोले, नहीं तो चुप रहे, पर क्रोध गुस्सा ऐसा किसी की ओर ना करे, रिगार्डलेस उसने अगर ऐसा रिएक्शन कभी दिया हो, और मन में किसी के प्रति वो ग्रजेस ना होल्ड किए जाएं कि आपने भी तो ऐसा हमारे साथ किया था, तो फिर हम भी वैसा ही आपके साथ करेंगे। नहीं, हमें सिर्फ अपने कर्मों पे फोकस करना है, ना कि किसी ने क्या हमारे साथ किया। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि सचमुच जो हम आज उदाहरण सुनते हैं भक्तों के, चाहे वो मिशन में रहे हों, चाहे पुरातन मीरा जी, किसी के भी हम सुन रहे हों, तो उनकी जीवन में भी अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी सिचुएशंस रही, पर कैसे उससे उभर के सिर्फ उन्होंने अपना मुख उजला हमेशा रखा, इस ब्रह्म ज्ञान को याद रखते हुए, तो वो रोशनी उन्होंने हर एक तक प्रदान करी। फिर तो ऐसा ही जीवन हमारा बन जाए कि चाहे वो समय कुछ और रहा होगा, आज का ये करंट वर्ल्ड सिचुएशन और है, पर अगर हमारा एसेंस, हमारे वो रूट्स भक्ति वाले रहें, इस ब्रह्म ज्ञान, इस दातार प्रभु में लीन रहें, तो फिर ये कोई टाइम बाउंड चीज नहीं है, वो ये आज भी उतनी ही वैलिड है। तो हम खुद इसको आजमा के देखें तो पता लगे कि कैसे सच में ये बातें आज भी उतनी वैलिड हैं जितनी हजारों साल पहले थी। तो दातार हर एक पे कृपा करके सेवा सिमरन सत्संग का जहाँ ये वरदान रूप है, उसको एक और दृढ़ करते जाएं, एक तरफ फिजिकल रूप में अटेंड ना करें संगत, बट मेंटली प्रेजेंट हो, उसमें से शिक्षा लेने के लिए एक मन उत्साह में रहे। कैसे हम सुमिरन जप करें तो सिर्फ वो वर्ड्स की नरेशन ना हो, वो मन से किया गया याद, ये स्मरण करना। तो इस परमात्मा को हर चीज में हम ऐसे डालें ताकि हर कार्य हमारा सेवा बनता जाए। दातार हर एक पे जहाँ संसार पे एक सेहत रूप तन मन धन के सुख सब प्रदान कर रहा है, बस हमारा आउटलुक वैसा हो कि हम ये ना कहें कि दातार कृपा करेगा, नहीं, दातार की कृपा हो रही है, बस हम उसको क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो हम पे है। तो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखें, यही सोच हमें एक और स्ट्रॉन्गर करेगी भक्ति के मार्ग पे। तो हर एक पे दातार ये कृपा सदैव जैसे बरसाता रहा है, आगे भी होगा। अपना दामन हम इस तरह फैलाएं कि सही चीज हमें सही तरह एक निकाल के वो मोती बरस रहे हैं। वाली बात इस समय ये भी नहीं कि समुन्द्र में जाएंगे गहरे फिर मोती ढूंढ कर आएंगे, वो मेहनत भी नहीं, ये परमात्मा तो जब दिख गया है तो अंग संग है, तो अब कैसे इसको याद रखना है वो हमारे ऊपर है। तो ये चेतनता हमेशा हर एक के पास रहे कि अपनी प्रायोरिटीज हमेशा ये प्रभु परमात्मा निरंकार बनाए रखें। सात संगत जी, धन निरंकार जी। तेरी ओट सहारा तेरा तन मन घोन घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राति गुण कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राति गुण गावा। एक तू ही निरंकार, मैं हां सदा
माता सुदीक्षा सविंदर हर देव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से कहना धन निरंकार जी।